आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तिथि, 15 जून से 3 जुलाई के बीच होंगे चुनाव अधिसूचना जारी, मंगलवार को जारी होंगे विस्तृत कार्यक्रम। पुलिस मुठभेड़ में रामगढ़ताल थाने के हिस्ट्री सीटर व टॉप 10 का अपराधी गोली लगने से हुआ घायल, एसपी सिटी ने कहा 23 मुकदमे में वांछित था अपराधी, इलाज के बाद भेजा गया जेल। जनपद में हुए त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव की मतगणना के बाद 6 ग्राम प्रधान, 6 बीडीसी और 191 ग्राम पंचायत सदस्यों के परिणाम घोषित, डीपीआरओ ने कहा अब शेष बचे 433 ग्राम पंचायतों का भी हो सकेगा गठन। जगह पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने कोरोना से हुई शिक्षकों की मौत के बाद उनके परिजनों को विभाग में नौकरी देने के संबंध में की चर्चा, जल्द से जल्द नौकरी देने के दिए निर्देश। कैंट पुलिस ने 14.10 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने कहा गिरफ्तार अभियुक्तों पर पहले भी दर्ज है आपराधिक मुकदमे। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं के संचालकों और रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित, विश्व रक्तदान दिवस से लेकर 14 जुलाई तक मनाया जाएगा स्वैच्छिक रक्तदान माह। सिंगरिया क्षेत्र में जल निकासी के लिए नगर निगम और CNDS कंपनी के द्वारा लगाया गया पंप, नगर आयुक्त ने कहा नौसर क्षेत्र में जल निकासी के लिए बनाया गया है वैकल्पिक व्यवस्था, नहीं होने दिया जाएगा महानगर में जल भराव। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत रेहड़ी पटरी वालों के टीकाकरण कैंप का महापौर ने किया शुभारंभ, कहा तत्काल रजिस्ट्रेशन कराकर हो रहा है वैक्सीनेशन। विश्व रक्तदाता दिवस पर गोरखनाथ ब्लड बैंक में भी वर्चुअल संगोष्ठी एवं रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने कहा रक्तदान है महादान। 15 वर्ष से सक्रिय अपराधियों की पुलिस खंगाल रही है आपराधिक रिकॉर्ड, एसएसपी ने दी जानकारी। आरटीओ कार्यालय पर ऑटो चालकों व ई रिक्शा चालकों के लिए लगाया गया कोविड वैक्सीनेशन कैंप, एआरटीओ ने कहा 117 ऑटो चालकों का किया गया वैक्सीनेशन, आगे भी जारी रहेगा वैक्सीनेशन। प्रतापगढ़ में एक न्यूज चैनल के संवाददाता की संदिग्ध मौत को लेकर गोरखपुर के पत्रकारों में आक्रोश, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित, ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए व्यापार मंडल ने लोगों में वितरित किया मास्क और सैनिटाइजर, एडीएम सिटी ने कहा नहीं खत्म हुआ है कोरोना, बरते सावधानी। गोरखपुर में सोमवार को मिले 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,180, अब तक 827 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान, 297 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जनपद में जिला अस्पताल सहित 91 बूथों पर 12,073 लोगों का किया गया कोरोना का टीकाकरण, सीएमओ ने कहा लगातार जारी रहेगा टीकाकरण का अभियान। कोरोना कर्फ्यू के दौरान नवीन महवा मंडी में लगाए गए निर्धारित समय को मंडी प्रशासन ने किया समाप्त, मंडी सचिव ने कहा पूर्व की भांति खुलेगा मंडी, व्यापारियों को मिलेगा लाभ। सिख समाज के पंचम गुरु अर्जुन देव महाराज का मनाया गया शहीदी पर्व, आयोजित हुआ लंगर, वितरित हुआ प्रसाद। महानगर के विभिन्न वार्डों की समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन, निस्तारण का मिला आश्वासन। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का सोमवार को भी देखने को मिला असर, एसपी सिटी ने कहा बेवजह घूमने वालों पर होगी विधिक कार्यवाही। और मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी, उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के साथ जगह जगह जल भराव से लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित, मौसम विभाग के अनुसार 15 जून को है भारी बारिश के अनुमान।